Okay, students, so today we are going to talk about the other terms. कल हमने osmosis की definition कर ली थी, endoosmosis की definition कर ली थी, exoosmosis की definition कर ली थी, then passive transport, ये सब के हमने definition कर ली थी. I hope you have done that all. आपको समझ भी आया और आपने याद भी कर लिया. Today we are going to deal with the next definitions. These are active transport and bulk transport. देखो मैंने आपको बोला था कि active transport is a type of, it is kind of transport that is very active, जिसमें हमारी energy use up हो रही है. Active transport is the movement or transport of substances through a biological membrane such as cell membrane. This process requires energy. एक्टिव का मतलब है कोई भी चीज हम तेज तेज करें हैं, वेरी फास्ट करें हैं, दैट्स व्हाई दैट थिंग इज एक्टिव. एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू एनर्जी. एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अ काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसमें हमारी एनर्जी यूज होती है. लार्ज मॉलिक्यूल्स आर कॉन्टिन्यूसली इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड इन टू द सेल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बल्क, अब हमारा नेक्स्ट टर्म है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बाद, हमारी नेक्स्ट टर्म है बल्क ट्रांसपोर्ट. बल्क का मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, बल्क का मतलब होता है बहुत ज्यादा. लार्ज मॉलिक्यूल्स आर कॉन्टिन्यूसली इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड इन टू द सेल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स हैं जो वो कॉन्टिन्यूसली अंदर जा रहे हैं और बाहर जा रहे हैं. ये प्रोसेस में या तो कोई सेल है वो रिलीज कर रहा है, बाहर निकाल रहा है फ्लूइड्स को. फ्लूइड्स मतलब जो भी साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लूइड्स होते हैं उनको. फ्लूइड्स का मतलब होता है कोई भी चीज जो फ्लो करती है, बेसिकली साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस. फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस मैं लिख देती हूँ. फ्लूइड्स इज इक्वल्स टू साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस, ठीक है. दिस इज नोन एज बल्क ट्रांसपोर्ट. बल्क ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स आर कॉन्टिन्यूसली इम्पोर्टेड. इम्पोर्टेड मतलब अंदर जाते हैं या बाहर जाते हैं सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू. इस प्रोसेस में सेल या तो एनर्जी रिलीज करता है या एब्जॉर्ब करता है, सॉरी या तो फ्लूइड्स रिलीज करता है या एब्जॉर्ब करता है. इसको हम क्या बोलते हैं, बल्क ट्रांसपोर्ट. Now, our next definition is exocytosis. Exocytosis is very important. Exo मतलब बाहर, cytosis मतलब सेल के या साइटोप्लाज्म के. कोई भी चीज है वो साइटोप्लाज्म के बाहर फेंक रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, exocytosis. It is so easy, है ना, easy है ना. So, materials enter a cell by invagination. इनवेजिनेशन का क्या मतलब होता है, देखो इनवेजिनेशन का आपको मतलब समझाती हूँ. ये हमारा सेल है, ठीक है, इनवेजिनेशन मतलब अंदर चला गया, ठीक है. अब कोई फूड सब्सटेंस है वो अंदर जाएगा ना, इनवेजिनेशन के थ्रू ही अंदर जाएगा, ठीक है. एंड फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स, तो यहाँ पे जैसे वो अंदर चला जाएगा, सपोज करो ऐसे करके ये कोई भी फूड सब्सटेंस हमारे सेल के अंदर चला गया, तो ये क्या बन गई, ये एक वेसिकल बन गई, ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल, एज अ मटेरियल लीव्स द सेल द मेम्ब्रेन ऑफ अ वेसिकल फ्यूजेस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्सट्रूड इट्स कंटेंट टू द सराउंडिंग मीडियम. ये तो बात थी अंदर जाने की, बाहर जाने की बात करते हैं. सपोज करो एक गोल सेल बनाते हैं, गोल सेल के अंदर ये मेरा वेस्ट मटीरियल है, वेस्ट मटेरियल एक वेसिकल के अंदर पड़ा है. दिस इज माय वेस्ट मटेरियल, दिस इज माय वेसिकल. ये वेसिकल क्या करेगी, ये वेसिकल पहले तो फ्यूज कर जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, ये फ्यूज कर जाएगी पूरे अच्छे से. उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, उसको बाहर निकाल देगी. ये सारी चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे फॉर्म हो गई और ये सारी चीज क्या है, वो बाहर निकल गई, ठीक है. This outward transport of materials by using carrier molecules is called exocytosis. किसी भी चीज को बाहर निकालना उसको हम बोलते हैं exocytosis. Again,
एक्सोसाइटोसिस की डेफिनेशन आप कहीं से भी कर सकते हो, कहीं से भी कर लो, इट इज फाइन. एंडोसाइटोसिस, एंडो का मतलब अंदर, साइटोसिस का मतलब अगेन सेल, ठीक है. एंडो का मतलब अंदर, साइटोसिस का मतलब सेल. एंडोसाइटोसिस इज द फिनोमेना बाय विच intake of materials by cell through plasma membrane takes place. ठीक है, कोई भी चीज अंदर चली जाती है सेल के, वो एंडोसाइटोसिस से चली जाती है. फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग. फैगोसाइटोसिस इज अ कॉमन मेथड इन विच सब्सटेंसेस आर टेकन अप इन द सॉलिड फॉर्म. अगर कोई सेल है विदाउट कैरियर मॉलिक्यूल, कैरियर मॉलिक्यूल के बिना, डिफ्यूजन के बिना, ऑस्मोसिस के बिना कोई चीज सॉलिड ही अंदर ले रहा है अपने सेल के, उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस. कि सेल खा रहा है, सेल किसी चीज को खा रहा है, उसको बोलेंगे फैगोसाइटोसिस. फोटोसाइटोसिस, फोटोसाइटोसिस मैंने आपको पहले भी बोला था, फोटोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, बट स्टिल यू कैन डू इट फॉर योर नॉलेज. स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयन्स, आयन्स है या बहुत ही छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वो सेल के अंदर जा रहे हैं, स्पेशली अगर स्मॉल मॉलिक्यूल्स अंदर जा रहे हैं या आयन्स अंदर जा रहे हैं. आयन्स क्या होते हैं? आयन्स होते हैं बहुत ही छोटे चीजें जो होती हैं, दे आर आयन्स. वो चार्ज होती हैं, या तो नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा. वो सेल के अंदर जा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? फोटोसाइटोसिस. रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस का क्या मतलब है? Is a pathway for selective uptake of large molecules such as clathrin coated pits. कोई भी receptor है, वो चीजों को अंदर लेके जा रहा है. Receptor कोई चीज अंदर लेके जा रहा है, special चीज है कोई, वो अंदर लेके जा रही है, उसको बोलेंगे receptor mediated. Mediated मतलब medium. Receptor जहाँ पे एक medium की तरह act करता है और वो cell के अंदर कोई चीज को लेके जा रहा है, तो उसको बोलेंगे हम receptor mediated endocytosis. That is a pathway for selective uptake of large molecules such as ligands in clathrin coated pits. In pinocytosis, also known as cell drinking, phagocytosis cell eating, solid form kha raha hai. Pinocytosis matlab jisme wo pani pee raha hai ya fluid form ke andar kuch bhi andar le raha hai, to usko kya bolenge hum? Pinocytosis. So that was all about your सेल चैप्टर. इट इज वेरी इजी चैप्टर, इट इज वेरी गुड चैप्टर. ये आपको पढ़ना चाहिए, आपको याद होना चाहिए. अब हम बात कर लेते हैं हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन. हमने देखो स्टूडेंट्स एंडोसाइटोसिस एंड एक्सो सॉरी एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस की बात तो की थी. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इट इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन विच इज ऑफ लेस कॉन्सेंट्रेशन देन दैट ऑफ सेल. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन. ये देखो मेरे पास ग्लास ऑफ वाटर है, दो ग्लास ऑफ वाटर के अंदर मैंने इसमें यहां तक शुगर डाली है और इसमें यहां तक शुगर डाली है, और बाकी सारा क्या है? बाकी सारा है पानी, बाकी सारा पानी है. तो अगर मैं बात करूं कौन सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है सॉल्यूशन, जिसमें शुगर ज्यादा है, ऑफ कोर्स वो वाला सॉल्यूशन क्या है? ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है. ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा हुआ? लेस कॉन्सेंट्रेशन वाला. दिस सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक टू दिस सॉल्यूशन. दिस सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक. ठीक है, एंड जो दूसरा सॉल्यूशन है दैट वाज हाइपरटोनिक. हाइपरटोनिक की भी बात कर लेते हैं. हाइपरटोनिक,
हाइपरटॉनिक का मतलब क्या होता है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड अब बच्चे ये देखो कि कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है पानी के बिना जो भी चीजें है ना वो कॉन्सेंट्रेशन है, ये पानी है ठीक है, ये दो ग्लास के अंदर पानी है, अब मैं इसमें कॉन्सेंट्रेशन डाल रही हूं, साइटोप्लाज्म ना पानी का ही बना होता है, पर पानी के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स होते हैं जो उसको कॉन्सेंट्रेटेड बनाते हैं। अब इसमें डाल देते हैं, तो विच सॉल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड एंड विच सॉल्यूशन इज लेस कॉन्सेंट्रेटेड, ऑफ कोर्स दिस सॉल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, दिस सॉल्यूशन इज लेस कॉन्सेंट्रेटेड, है ना। अब देखो मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जो भी होता है इट हैज लेस वाटर, इट हैज लेस वाटर, एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज द लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, सो इट हैज मोर वाटर। सपोज करो मैंने किसी बच्चे को फ्रूटी दी, ठीक है, मैंने एक बच्चे को तो फ्रूटी दी, दूसरे में हाफ ग्लास फ्रूटी एंड हाफ ग्लास वाटर था, तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड किसकी हुई जिसको मैंने फ्रूटी दी, और ज्यादा डाइल्यूट किसकी हुई जिसमें हाफ ग्लास वाटर था, ठीक है। तो जो लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है उसमें वाटर ज्यादा होता है, तो उसमें से होती है ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस किसकी होती है, ऑस्मोसिस इज ऑलवेज फ्रॉम, ऑस्मोसिस इज ऑलवेज फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेटेड मोर कॉन्सेंट्रेटेड टू लेस कॉन्सेंट्रेटेड। इन केस ऑफ वॉटर मतलब ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। वॉटर की बात की है, पहले मैं सिंपल बात करने वाली थी, मोर कॉन्सेंट्रेटेड वॉटर किसमें है, मोर वॉटर किसमें है, हाइपोटोनिक में, हाइपोटोनिक में ज्यादा पानी है ठीक है, एंड लेस कॉन्सेंट्रेटेड किसमें है, हाइपोटोनिक में, तो हमेशा जो ऑस्मोसिस होती है ना हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होती है ठीक है। इसीलिए सेल को अगर हम रखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में तो वो क्या आ जाता है, श्रिंक हो जाता है, सेल है, सेल क्या बन गया, अगर हमने सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया तो सेल खुद क्या बन गया, हाइपोटोनिक, तो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक से में पानी चला जाएगा। अगर मैंने सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया तो सेल क्या बन जाएगा, हाइपरटोनिक, तो बाहर से अंदर आ जाएगा पानी ठीक है। ऑस्मोसिस का ये रूल है आपको हमेशा याद रखना है, ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा हाइपोटोनिक है कौन सा हाइपरटोनिक है सॉल्यूशन। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, आइसोटोनिक होता है सेम, आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज द हैव सेम कॉन्सेंट्रेशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हमेशा सेम कॉन्सेंट्रेशन होती है इसलिए उसमें कोई भी ऑस्मोसिस नहीं होती है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, आई होप आपको पता चल गया होगा। अब आपने जो बची हुई डेफिनेशन है वो भी याद करनी है, हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक जो जैसे भी जाता है वो भी आपको याद करना है।